देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी ने पिछले बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को 11,345 करोड़ रुपए के घोटाले की सूचना दी। ये जानकारी सार्वजनिक होने के बाद पीएनबी के शेयर 20% तक गिर गए। पीएनबी के अलावा कुछ अन्य बैंकों के शेयरों में भी गिरावट आई है। इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। सरकारी बैंकों की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंकों के शेयर टूटे। निजी बैंकों में एक्सिस बैंकों के शेयरों पर इसका असर दिखा है। वास्तव में इस खबर ने पूरे शेयर बाजार में सनसनी फैला दी है। आशंका जताई जा रही है कि घोटाले की चपेट आने वाले दिनों में और भी बैंक आ सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच सेबी के अलावा सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां कर रही हैं। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। हुआ ये कि पीएनबी के मुंबई स्थित ब्रांच में 2010-11 में कुछ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए गए थे। वो एलओई देश के उन नामचीन ज्वेलर्स को जारी किए गए थे जिनकी शाखाएं विदेश में भी थी। इनमें गीतांजलि, गिन्नी नक्षत्र और नीरव मोदी शामिल हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीएनबी ने स्टॉक एक्सचेंज में हाल ही में इस घोटाले की जानकारी ली। इसके बाद क्या हुआ अब ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस घोटाले में पीएनबी के सिर्फ 1700 करोड़ रुपए फंसे हैं। फिर भी पीएनबी के लिए मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि अन्य बैंकों ने इसी बैंक के एलओयू के आधार पर लोन बांटा था। कार्यवाही के तौर पर पीएनबी ने 10 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, साथ ही उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंप भी दिया गया है। दूसरे बैंक भी इसी तरह की कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि ये घोटाला तब उजागर हुआ जब सरकार पहले ही एनपीए में दबे बैंकों को बेलआउट करने के लिए मोटी रकम दे चुकी है। ऐसे में इस घोटाले की खबर से बैंकिंग इंडस्ट्री को जबरदस्त झटका लगा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को अलग रूप में देखा जाना चाहिए। जैसा कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी राजीव कुमार ने कहा है कि इस मामले को अलग तरह से देखना चाहिए। इसका असर दूसरे बैंकों पर पड़ने की आशंका नहीं है। इस बात के पूरे आसार है कि कई दूसरे बैंकों के नाम भी इसमें जुड़ सकते हैं, लिहाजा सरकार ने उन सभी बैंकों को स्टेट्स रिपोर्ट जमा कराने को कहा है। जो भी हो, मामले की अभी जांच बाकी है। उसके बाद ही तय होगा कि इंश्योरेंस कंपनियों को इसका कितना नुकसान उठाना होगा। देखना है कि सरकार और रेगुलेटर एजेंसियां किस तरह से लगाम कसने का काम करती हैं, ताकि इस तरह की वित्तीय जालसाजी के मामलों पर शिकंजा कसा जा सके।